नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। ये एक यूएसए की कंपनी है, स्टेटो लॉन्च। याद रखना, इस कंपनी का नाम है स्टेटो लॉन्च। इसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण किया है। ये आप देख सकते हैं, ये सब दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज कंपनी है स्टेटो लॉन्च। ये जो कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका की कंपनी है। ये एक अमेरिका की कंपनी है और आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंच ये क्या करेगी, जो अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में भी ये मदद करेगा ये यान। और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया है आरओसी। इसका नाम है आरओसी और इसके अंदर ट्विन फ्यूजलेज डिजाइन है। ट्विन फ्यूजलेज डिजाइन इसके अंदर किया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ट्विन डिजाइन है इसके अंदर कि एक सेट और एक सेट, ये इस प्रकार से बड़ा है। अभी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में इसका ट्रायल किया गया था और इसकी जो ऊंचाई से रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम, कोई भी रॉकेट वगैरह लॉन्च करना हो उसको लॉन्च करने में ये सक्षम होगा। और इसका जो लक्ष्य है वो 5.5 लाख पाउंड का पेलोड ले जाना। पेलोड ध्यान रखना दोस्तों, मतलब 5.5 लाख वजनी तक का सामान ले जाने में इसको सक्षम बनाया जाएगा। ये इसका लक्ष्य रखा गया है, 5.5 लाख पाउंड वजनी तक का सामान ले जाने में सक्षम इसको बनाया जाएगा लक्ष्य। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन इसको कंपनी लॉन्च करा है, स्टेटो लॉन्च कंपनी है, स्टेटो लॉन्च, राइट। और अमेरिका की एक और कंपनी है स्पेसएक्स, आप जानते हो तो स्पेसएक्स, और ये भी आपकी यूएसए की कंपनी है, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है। नो डाइट डे, याद रखिएगा, नो डाइट डे मतलब देखो क्या होता है दोस्तों, कुछ चीजें सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें सेहत के लिए बुरी भी होती है। अगर किसी अच्छी चीज का मतलब सीमा से ज्यादा उपयोग हो जाए तो वो बुरी बन जाती है। डाइट क्या होती है, शरीर के लिए अच्छी भी होती है लेकिन हद से ज्यादा डाइट शरीर के लिए नुकसानदायक भी होती है। तो इसमें बताया गया, जरूरत से ज्यादा डाइट क्या असर डालती है बॉडी के ऊपर, उसके लिए जागरूक करने के लिए डे मनाया जाता है 6 मई को। याद रखना, ये डे मनाया जाता है 6 मई को, राइट। और 2 मई को बताया था आपको हास्य दिवस आता है, 3 मई को आता है फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे, राइट। तो ये होता है नो डाइट डे, 6 मई को मनाया जाता है, मतलब हद से ज्यादा डाइटिंग करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। याद रखना, ज्यादा डाइटिंग से होने वाले नुकसान के बारे में। डाइटिंग बढ़िया होता है लेकिन आजकल आपको याद है जीरो फिगर चल रहा है, बैली फिगर चल रहा है, तो वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है, उसके लिए जागरूक करने के लिए डे मनाया जाता है, नो डाइट डे। याद रखना, नो डाइट डे 1992 में पहली बार बनाया गया था, ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पहली बार बनाया गया था, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, याद है ना, यूके के बारे में आपको बताया गया था। 4 कंट्रीज यूके के अंदर आती है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थन आयरलैंड, याद रखिएगा। तो 1992 में पहली बार वहां बनाया गया था। इसका जो लोगो है, प्रतीक है, वो हल्का नीला रिबन, लाइट ब्लू रिबन इसका लोगो के रूप में काम करता है, इसके प्रतीक के रूप में ये काम करता है। ना नो डाइट डे मतलब हद से ज्यादा डाइट के से जो नुकसान होता है उसके लिए लोगों को जागरूक करने में ये काम करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फेडरेशन द्वारा चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। चेकमेट आप समझ ही गए दोस्तों, चेकमेट का प्रयोग, ये एक टर्म है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, चेस के अंदर। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, चेस के अंदर, चेकमेट। तो इसकी शुरुआत करिए चेस फेडरेशन द्वारा, चेस फेडरेशन, चेस फेडरेशन ने इसकी शुरुआत करी है। और इसकी जो पहल करी थी, मतलब इसको शुरू करने की जो पहल करी थी, वो करी थी फीडी ने, FIDE, ध्यान रखना, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन।
इसकी पल्स इसने करी थी और इसकी स्थापना हुई थी 1924 पेरिस में। वर्तमान इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। मतलब चेस समुदाय को वित्तीय सहायता देने के साथ साथ कोविड-19 महामारी के लिए डॉक्टर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराना चेस समुदाय को। और इसमें इसका सहयोग किसने कराया दोस्तों? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इसमें इसका सहयोग कराया चेस समुदाय की मदद के लिए, चेस समुदाय से जुड़े हुए लोगों की मदद के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। याद रखिएगा, इसकी पहल शुरुआत करी थी फिडी ने, FID। इसकी पहल की शुरुआत करी थी फिडी ने, FID, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी FID देना, पहले भी आपको बताया गया, FID चेस समुदाय से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता के साथ साथ कोविड महामारी के तहत डॉक्टर की सहायता भी उनको मुहैया कराई जाएगी, राइट, चेकमेट। तो कौन सा फेडरेशन है? चेस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा किस देश के साथ व्यापार साझेदारी के लिए द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? यह लक्ष्य दोस्तों रखा गया है 2030 तक का। अभी आपको याद हो, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो, मैंने बताया था G7 समिट होने वाला है और G7 समिट के अंदर भारत को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, याद रखिएगा। तो उसके तहत और ब्रिटेन के यूके के अंदर ही समिट होने वाला है, यूके के अंदर समिट है, ब्रिटेन उसके जो ब्रिटेन के साथ और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री वो है बोरिस जॉनसन, तो उसमें भारत क्या करेगा, इसके साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा। 2030 तक का लक्ष्य है और इसके तहत अभी आपको याद हो 9 समझौतों के तहत ब्रिटेन के साथ करार किया है भारत ने, और भविष्य में क्या होगा, FTA की सुविधा भी, FTA भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA के लिए भी ये काम कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। तो ध्यान रखना कौन सा देश है दोस्तों? ब्रिटेन। ये है दोस्तों ब्रिटेन। रूस के बारे में आपको बताया था, हाल ही में रूस के साथ 2+2 हैंड संवाद स्थापित करने वाला है भारत, और रूस इसका चौथा देश है। ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छे संबंध है और अमेरिका के साथ हैंड टू हैंड समझौता चलता ही, और पहले से ही काफी अच्छे रिश्ते भी हैं अमेरिका के साथ, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें डिटेल से भी बता देता हूं आपको, ये देखिए बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी जी, इंडिया यूके के साथ 10 वर्षीय रोड मैप, 10 ईयर रोड मैप तैयार किया गया है, 10 ईयर रोड मैप, याद रखिएगा, भारत और यूके द्विपक्षीय समझौते को बढ़ाने के लिए, और 2030 तक द्विपक्षीय मतलब बिलिट्रेल जो बिजनेस होगा उसको डबल करने का टारगेट रखा गया है, किसके साथ? यूके के साथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिंगर को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जो अवार्ड है ये म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है, यूएसए के अंदर दिया जाता है, ये दिया गया इस बार आइकन अवार्ड पिंक को, याद रखिएगा, पिंक, जो पिंक है ये आपकी एक सिंगर भी है और एक सॉन्ग राइटर भी है, ये सिंगर और सॉन्ग राइटर दोनों ही है, और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 आइकन अवार्ड से सम्मानित इनको किया जाएगा। इसका आयोजन रहेगा 23rd of May 2021 को, और ये होगा आपका यूएसए में, और इसको होस्ट करेंगे निक जॉनसन साहब, जानते हो, और इसका प्लेस है लॉस एंजलिस। ये म्यूजिक के अंदर दिया जाता है, राइट, म्यूजिक के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार का दिया जाएगा पिंक आइकॉन बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, राइट, याद रखिएगा, अमेरिका का मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है। ये अमेरिकी सिंगर है और एक सॉन्ग राइटर है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर ने देश के पहले ड्राइव एंड वैक्सीनेशन का अनावरण किया है? दोस्तों कोविड से काफी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जैसे कि आपको याद हो कोविड से क्या था, ऑक्सीजन ऑन व्हील आपको याद हो, दो कंपनी थी, एक महिंद्रा ने शुरू करा था महाराष्ट्र के अंदर, और एक शहर है करनाल ने शुरू करा था, याद है दोस्तों, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया था समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु,
समोन सेतु टू, ये क्या करेगा, जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी चिकित्सा उपकरण आते हैं उनके परिवहन में तेजी लाने के लिए। बरिन से एक आपको याद हो एक बताया था मैंने आईएनएस नौसैनिक जहाज है, बरिन से आया है माल लेके आ रहा है और एक सिंगापुर से लेके आ रहा है, तो उसमें ये समूह से तो ये भी किससे कोविड से जुड़ा हुआ है। एक बताया था मैंने आपको कोजीत में भी कोरोना महामारी के दौरान, और एक और आप देखिए एक नई पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन पहली बार ये शुरू हुआ है मुंबई के अंदर ये शुरू किया है ड्राइव इन वैक्सीनेशन। इसका फायदा हुआ, ये सबके लिए शुरू किया गया है, इसका फायदा एक तो सीनियर सिटीजन्स को होगा और ये विकलांग लोगों को भी फायदा होगा, जिनको वैक्सीनेशन केंद्र तक जाने में दिक्कत आ रही थी उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और वैसे तो ये सबके लिए शुरू किया गया वैक्सीनेशन ऑन व्हील, मतलब ड्राइव इन वैक्सीनेशन, इनको बोल सकते हो ड्राइव इन वैक्सीनेशन का अनावरण किया है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब लोग गाड़ी में सीनियर सिटीजन जो लोग हैं वो गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये जगह है, ये है कोहिनूर स्क्वायर टावर दादर मुंबई में, कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में इसको कहा गया है ड्राइविंग वैक्सीनेशन। ये सब लोगों के लिए, लेकिन खास जो इससे फायदा होगा विकलांग लोगों को जो टीकाकरण केंद्रों में आने में कठिनाई हो रही थी, जिनको केंद्र में आने में कठिनाई हो रही थी उनके लिए भी इनका फायदा होगा, सीनियर सिटीजन्स को फायदा होगा जो वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंच नहीं पाते हैं। राइट, तो ध्यान रखना कौन सा शहर है, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए वी कल्याणम कौन थे, वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो चुका है, ये महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, याद रखना महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, और ये पूरे एक कट्टर गांधी जी के समर्थक थे, मतलब एक कट्टर अनुयायी आप बोल सकते हो। 1943 से 1948 तक ये महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे हैं, याद रखना है कट्टर, मतलब उनकी जब देहांत हुआ था तब भी ये उन्हीं के साथ ही थे, 30 जनवरी 1948। राइट, याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के निजी सचिव, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल तैयार किया, पैदल पुल बनाया है और इसको लोगों के लिए खोल भी दिया है, ये लगभग आपका 1700 फिट लंबा है, 1700 फिट ये लंबा है, याद रखिएगा 1700 फिट, और लगभग 574 फिट ये ऊंचा है, ये हो गया आधा किलोमीटर के आसपास, और ये हो गया लगभग ये हो गया आपका 175 मीटर के आसपास उसकी हाइट है। और ये जो देश है इसने लोगों के लिए भी इसको खोल दिया है, ये देश है पुर्तगाल, याद रखिएगा दोस्तों ये देश है पुर्तगाल, और पुर्तगाल आया भी था ग्रैंड पिक्स में, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर देखा हो, पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा लिस्बन, इसकी राजधानी है लिस्बन, और इसकी मुद्रा है यूरो, इसकी मुद्रा है यूरो, याद रखिएगा पुर्तगाल। इंग्लैंड बताई दिया था आपको, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा क्रोना, नॉर्वे की ओस्लो, मुद्रा क्रोना, तो पुर्तगाल ने ये खोला है। और ये जो है इसको सस्पेंशन पुल भी आप कह सकते हो, सस्पेंशन ब्रिज या सस्पेंशन पुल नाम कह सकते हो, इसका नाम रखा गया है अरोका, इसका नाम ध्यान रखिए इसका नाम रखा गया है अरोका। 1700 फिट पैदल दूरी है इसकी, लगभग आप मान सकते हो 500 मीटर के आसपास, और हाइट है इसकी 175 मीटर लगभग 574 फीट हाइट है इसकी, मतलब झरना है तो उससे मतलब हाइट जो इसकी 175 मीटर लगभग 574 फीट। तो ध्यान रखना कौन सा ये पुल है, कौन सा देश है दोस्तों, पुर्तगाल, कौन सा देश है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधी का स्वास्थ्य योजना शुरू करी है। दोस्तों ये एक राज्य है, इसमें क्या होता है जो पत्रकार हैं उनको एक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, ये स्वास्थ्य बीमा जो होगा दोस्तों ये 2 लाख रुपए का होगा, और अगर कोविड महामारी के दौरान उनकी कोई डेथ हो जाती है, कोविड के दौरान अगर कोई डेथ उनकी हो जाती है तो 15 लाख तक का उनको बीमा मिलेगा। ये राज्य है उड़ीसा, याद रखिएगा ये राज्य है उड़ीसा, तो उड़ीसा ने ये शुरू करा है। कौन सी योजना दोस्तों, याद रखिएगा गोपबंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा, गोपबंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू करी है दोस्तों, ये शुरू करी है उड़ीसा ने, ये देख सकते हैं आप गोपबंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ इंश्योरेंस, ये नवीन पटनायक जी उड़ीसा, पत्रकारों के लिए 2 लाख का स्वास्थ्य बीमा और उन कोविड-19 मरने पर 15 लाख तक की वित्तीय सहायता उनको दी जाएगी, ध्यान रखना पत्रकारों के लिए।
ये शुरू की गई है पत्रकारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उड़ीसा अगर आपने देखा हो मास्क अभियान भी शुरू करा था दोस्तों, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो, मानस बिहारी वर्मा का संबंध किस क्षेत्र था? ये जाने माने आपके वैमानिक वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और देश के वैज्ञानिक के अंदर मतलब देश में वैज्ञानिक गतिविधियों में इनका अहम रोल था। ये वैमानिक वैज्ञानिक थे, 78 वर्ष की आयु थी, और तेजस के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 2018 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा मानस बिहारी वर्मा, इनको कहा जाता है विज्ञान पुरुष, इनको विज्ञान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इनको विज्ञान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और फॉर्मर ये तेजस जो भारत का पहला स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट था, भारत का पहला स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट था, उसको बनाने में इनकी बहुत उनकी टेक्नोलॉजी में इनका अहम रोल है, और काफी अच्छा इन्होंने काम भी करा है। मतलब एक लाख स्टूडेंट को, 300 स्कूल्स को इन्होंने मतलब एक्सपीरियंस मतलब विज्ञान के बारे में इन्होंने शिक्षा दी है, और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो हाल ही में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है दोस्तों, राइट। याद रखिएगा ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।